आप देख रहे हैं इछावर न्यूज और ये है खबर। नमस्कार दोस्तों, आईसीएन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का दिन जिला मुख्यालय सीहोर में सियासी तापमान बढ़ाने वाला था। एक ओर जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए धरना प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने प्रदेश सरकार को झूठी सरकार बताने के लिए किसान आक्रोश आंदोलन निकाला। दोनों ही कार्यक्रमों के कारण आज जिला मुख्यालय पूरी तरह से पुलिस बल की निगरानी में किला बना हुआ था। एक ओर जहां जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया, वहीं दूसरी ओर आष्टा इछावर सीहोर के विधायकों सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कमलनाथ सरकार के वादों पर लगातार तंज कसा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी किसान कर्ज माफी तथा बढ़े हुए बिजली बिलों पर प्रदेश सरकार की जमकर आलोचना की। आईसीएन ब्यूरो रिपोर्ट से ललित मुकाती के साथ राहुल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जिन्हें करके दिखाया उसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी छोड़ने जा रही है, पूरे देश को विभाजन करने की ओर ले जा रही है। इस बात पर विचार करिए मोदी जी, जो हमारे पुराने साथियों ने कहा है, धर्म के नाम पे भी लड़ा रहा हो, जाति के हिंदू को भी हिंदू से लड़ा रहा हो, एससी भाइयों से सवर्णों को लड़ा रही है, बात सही है। इसमें देश मैंने कुछ समय जब किया था मैंने बोला था, किसानों से कहा था कि जिनके ऊपर 2 लाख रुपए तक का कर्ज है वो हमारी सरकार माफ करेगी, चाहे वो कॉपरेटिव सोसाइटी का हो, सहकारिता बैंक का हो या कोई कमर्शियल बैंक का हो, सबके कर्जे माफ करेंगे। हमारे युवा साथियों से कहा था कि आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, 3-4 हजार रुपए महीने प्रति माह आपको दिया जाएगा, उसका आज तक कोई पता नहीं है। दूसरा, बेटियों के लिए इनने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 51 हजार रुपए प्रति बेटी के लिए शादी के लिए देंगे, और भी ऐसी इनने अनेकों घोषणाएं की थी जिनका की आज तक पता नहीं है। बंधुओं, और सबसे बड़ी एक और हमारी योजना भवन पर योजना हमारी प्रदेश सरकार की चलती थी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने शुरू की थी, उसका राशि आज तक हमारे किसान बंधुओं को नहीं मिला है। दूसरा, हमारा 160 इछावर न्यूज। अधिक जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल